जमीन पर हो। क्या खुदा की जमीन पर हो, इन सब ने कहा सबने ऐसे ही किया था उस जमाने में। निकल भाई निकल, इसको जवाब यही हरकत उस वक्त भी किया था। फिर कामयाबी के बाद दोबारा मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा शायद अब समझ में आ गया हो, 20 साल के बाद 15 साल के बाद समझ में आ गया हो। मैंने कहा वही सवाल दोबारा करता हूँ, यू आर ऑन गॉड्स अर्थ और योर। फिर मैंने हल्के सवाल किया, फिर ये कहा था तुमने समझा। फिर मैंने कहा इफ आई एम नॉट, इफ यू आर नॉट गॉड ऑन अर्थ, व्हाई द हेल डू यू क्लेम योरसेल्फ टू बी गॉड बाय सेइंग दैट आई वुडंट बी एबल टू डू इट। व्हाई द हेल डू यू क्लेम योरसेल्फ टू बी गॉड बाय सेइंग दैट यू आर टू यंग टू डू इट। आई एम नॉट टू यंग टू डू इट बेबी। You don't see what I see. There's something big inside me you don't see. मेरे अंदर इतना बड़ा है जो तुम देखते ही नहीं हो, तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे। तुम देखोगे तो ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। करम है, एक करम है, 1 मिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ा के बैठा हूं, चाहे वो टॉप नॉच हो सब कोई भी हो। दुनिया को बताया मैंने कि जिसके पीछे नोट के पीछे तुम भागते हो, हम नोट के पीछे नहीं भागते, हम अपने पैशन के पीछे भागते हैं, हम अपने काम के पीछे भागते हैं, हम अपने उस चीज के पीछे भागते हैं जिसकी आवाज अंदर से मेरी आती है। आज तुम मेरे सामने खड़े हो, हाथ बांध कर खड़े हो और मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो, चूंकि तुम्हें पता है मैं हीरो हूं, मैं चैंपियन हूं। और मैंने उनको ये एहसास दिलाया कि तुम जमीन पर खुदा नहीं हो, खुदा की जमीन पर हो, इसीलिए किसी के बारे में नेगेटिव बात मत किया करो। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा अमेरिकन स्पीकर है, उसने कहा कि मैंने कॉलेज लाइफ देखा ही नहीं और दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर लेस ब्राउन जॉब टाइप करो। उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया था शिकागो में, मैंने ब्राउन ने उसको पाला, उसको मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर कर दिया गया था कि मेंटली रिटार्डेड। उसने कहा दुनिया ने मुझे मेंटली रिटार्डेड किया, मैं दुनिया को मेंटल बना दूंगा मेरे पीछे। आज दुनिया उसके पीछे मेंटल है और वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है, दुनिया मेंटली रिटार्डेड है। ओ भाई किसी की मत सुनो, मैं आपको आज सही मशवरा दे रहा हूं। जी सर, ये LLM, PLM, TLM, अब ये डिग्री शिग्री कुछ नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये साथ समय सब कुछ है, ये खुद
पढ़ा पढ़ा के बेचारे खुद ही जॉब कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योर नहीं बन सके। जितने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे ना वो सब नौकर हैं, इस वक्त 90% नौकर हैं। उसे बात करना चाहता हूँ, फिनिश ऑफ कर रहा हूँ। अपने आप को सुनो, दुनिया कैसी की तैसी, क्या दुनिया की डरना नहीं है, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, नमाज पढ़ना है, माँ बाप की खिदमत करनी है और खूब जम कर मेहनत करना है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। है ना, जीरो, जीरो से हीरो कैसे बनते हैं, ये जीरो है, ये जीरो है, दो जीरो की कोई औकात है दो जीरो की, इसमें वन लगा दो 100 बन गए। इसी तरह तुम अपने जिंदगी में नमाज और माँ बाप की खिदमत को शामिल कर लो, तुम 100% बन जाओगे। आखिर में चार पांच लाइन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मैंने शुरू में कुछ लाइन चेक कर दी। आप लोग का मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सर एक लाइन बात बोलना चाहूँगा, जो एक बात बोली कि जो है ना हमें ये जो खुद नौकरी कर रहे हैं तो उसमें बोलना चाहूँगा कि ये खुद पिंजरे में कैद होकर हम शाहीनों को उड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, आप ही कैद बन जाए, कैदी बन जाएंगे शाहीन, आप शाहीन है ना, तो आप उन्होंने कैदी से आपको शाहीन बना दिया ना, तो आप ही शाहीन बनाया। लीडर फॉग, अ लीडर प्रोड्यूस इज अ लीडर नॉट फॉग। रेवोल्यूशनरी लाइन है, तुम सबके लिए, इस पाकिस्तान के लिए, मुल्क हमारा है। यस बिल्कुल, ये मुल्क हमारा है, इसका कर्जा है हम पर, प्लीज हम इसके मकरूज हैं, ये हमारी माँ है। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे मुझे इसका परवाह नहीं है, मुझे भी बहुत अमेरिकन और ब्रिटिश नेशनलिटी के बड़े ऑफर मेरे पाँव में, मैं ठुकराया हूँ 20 साल, बड़े थ्रेट्स को फेस किए, मैंने कहा ऐसी की तैसी, जो दिन कबर में है वो दिन कबर में, जो रात कबर में वो कबर में, कोई छीन नहीं सकता, जो मेरे नसीब में लिखा हुआ वो कोई छीन नहीं सकता। मैं इस मुल्क में रहूंगा, इस मुल्क में रहकर इस मुल्क में मरूंगा, लेकिन ये मुल्क मेरा है, मैं इसकी खिदमत करूंगा। इनका दिन, their days are numbered। मैं आपके पास sentences please, you may do, पर सब मोरा सतम हो रहा है, दुनिया तुम्हें सता रही है, तुम्हें दुनिया सता रही है, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रही है, तुम्हारी बचा रही है, बचा रही है तुम्हारी। You may do unto me whatever you wish, but you shall not be able to touch my truth and just. You may shed my blood and burn my body, but you cannot kill my spirit. You may tie my hands and feet with shackles. You may tie my hands and feet with shackles and put me into the dark prison. You cannot enslave my thinking. You cannot enslave my theory. You cannot enslave my ideology, because my theory, my ideology is as free as the breeze in this precious sky. तुम मुझ पर जुल्म कर लो, सितम कर लो, कुछ भी कर लो, मेरे हाथ को बांध दो, बेड़ियां पहना दो, मुझे काल कोठरी में रख दो, सब कुछ कर लो, मुझे जला दो, मुझे खत्म कर दो, लेकिन मेरी सोच, मेरी थ्योरी उसको खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सोच इतनी आजाद है जैसा फजा में, आसमान में फजा आजाद है, ये मेरी सोच है, इसको तुम खत्म नहीं कर सकते।
दोबारा मिलेंगे। हाँ अनाउंसमेंट का है वो।